वैसे तो मैं ज्यादातर पॉलिटिक्स पर बात नहीं करता, पर अब जब ये फिल्म पॉलिटिक्स पर बेस्ड है तो फिर यहाँ पर बात करना तो बनता ही बनता है। तो देखिए, आप सबको किसान आंदोलन तो याद ही होगा, तो उसमें किसानों ने अपने हक की बात रखी थी और जो मुद्दे उठाए थे वो तो बात अलग ही है, पर यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम भी लगाया था नेताओं पर कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक तोते हैं और कोई ना कोई इनको चला रहा है। और उनका ये इल्जाम था कि ये जो कारोबारी लोग होते हैं यही इन लोगों को चला रहे होते हैं, बस ये इनको ऑर्डर देते हैं और ये नेता लोग बस तोते की तरह रट कर उसको बोल देते हैं बिना ये सोचे समझे कि लोगों पर उसका क्या असर पड़ेगा। अब मैं इस बात का यहाँ पर जिक्र क्यों कर रहा हूँ, तो देखिए इस फिल्म में भी इस मुद्दे को उठाया गया है। फिल्म में जब जो अभी उम्मीदवार खड़े हैं उनसे जब एक इंसान पूछता है कि आप ये जो काम करते हो या फिर आप जो बोलते हो ये आप कारोबारियों की भाषा बोलते हो, वो जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं जो ऑर्डर देते हैं उसके हिसाब से ये आप काम करते हो, आपको लोगों की भलाई या फिर लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या क्या सारी चीज़ें हमें उनके लिए करना चाहिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात तो वही उठती है कि अब यहाँ पर इतने जो कैंपेन्स चलाने हैं या फिर अपना जो फायदा देखना है तो वो कहाँ से होगा, वहाँ यहाँ पर इन सारी चीज़ों में या फिर रैली वगैरह में पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? तो अगर किसी के पास पैसा है तो होता है बिजनेसमैन्स के पास में, और अगर इनको कोई पैसा दे सकता है तो वही लोग दे सकते हैं। अब जब पैसा देने वाले वही लोग हैं तो अब नेता तो उनकी ही जी हजूरी करेंगे, उनके ही एक तरीके से रट्टू तोता बनकर अपना काम करेंगे, उनको हमसे तो कोई मतलब होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ये मुद्दे उठाए गए हैं, भले ही वहाँ के हिसाब से अगर मैं इस फिल्म को देखूं तो शायद वो कुछ उतना रिलेट ना कर पाए इस मूवी से, पर हमारे यहाँ की जो फिलहाल की जो रियलिटी चल रही है और जिस तरीके से हमें जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो मुझे देखकर ऐसा लगा कि ये जो फिल्म है, सोचो 2012 की फिल्म है और यहाँ पर हमें जो अभी की फिलहाल रियलिटी देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ भाई ये फिल्म एकदम ट्रू स्टोरी मतलब एक रियलिटी पर बेस्ड मूवी है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि हमें जो अभी फिलहाल देखने को मिलता है और जिस तरीके से जो जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वाकई में वो काफ़ी हद तक सच भी साबित हो रहा है, तो ऐसे में जो ये फिल्म दिखाती है उसको तो हम सच मान ही सकते हैं कि सोचिए कब की फिल्म और आज भी वो रियलिटी हमें दिखा रही है कि भाई कब में फिल्म बनी है और कब में क्या दिखा कर चली गई और आज वो यहाँ पर हमारे देश में ये घटनाएं हो रही हैं। तो वाकई में ये सोचने वाली बात है कि मतलब राइटर डायरेक्टर ने किस लेवल का सोचकर वो फिल्म बनाई थी जो कि आज हमें रियलिटी में वही सेम चीज़ जो मूवी में हो रही थी अब यहाँ पर हमें ग्राउंड में देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये ऐसी ही एक मस्ट वॉच फिल्म तो बनी जाती है और ये एक प्लस पॉइंट भी बन जाता है इस फिल्म का, वेलकम टू GX द कैंपेन। यहाँ पर इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक लाइन देखने को मिलती है कि वॉर हैज रूल्स, मड रेसलिंग हैज रूल्स, बट पॉलिटिक्स हैज नो रूल्स। तो ये जो लाइन है ना, यहीं पर ये फिल्म दिल जीत लेती है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दो लोग हैं जो कि एक उम्मीदवार हैं और वो कैसे एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं खुद को टॉप पर पहुँचाने के लिए, लोगों की नज़र में आने के लिए वो किस हद तक जाते हैं और क्या क्या करेंगे। इसको जिस तरीके से एक फनी वे में इस मूवी के जरिए हमें दिखाया गया वो कमाल का है, गजब का है। हालांकि जो रियलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है कि किस हद तक क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि पॉलिटिक्स में किस हद तक क्या गंदा खेल चलता है खुद को टॉप पर पहुंचाने के लिए या फिर बाकी को रास्ते से हटाने के लिए। ये ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं, मुझे इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये फिल्म वही चीज़ें देखती है मतलब दिखाती है, बस फनी वे में दिखाती है, वरना अगर रियलिटी देखा जाए तो बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा डार्क है कि आप सोच नहीं सकते हो इतना बड़ा गंदा खेल चलता है पॉलिटिक्स में। खासकर ये रैली वगैरह जो ये कैंपेन हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है ये तो बस ट्रेलर है, हमारे देश में तो मतलब इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ें चलती है, आप सोच नहीं सकते हो। तो यहाँ पर जो ये फिल्म हमें देखने को मिलती है, मैं अगर सच्चाई मतलब सच बात बताऊँ तो ये जो जोनर है या फिर इस टाइप की जो ये फिल्म है
ये अपने टाइप की इकलौती ऐसी फिल्म है जो मुझे देखने को मिला। और मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब काफ़ी वक्त से मैं इस फिल्म को देखने की सोच रहा था, पर वक्त और डेटा की कमी की वजह से मैं इस फिल्म को नहीं देख पा रहा था। पर फाइनली मैंने इस फिल्म को अब देख लिया है। और सच कहूँ तो ये फिल्म मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया हुआ था ये, लेकिन ये फिल्म मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी आगे की फिल्म निकल कर आई, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि ये फिल्म किस लेवल की फिल्म है। और सच कहूँ तो एंटरटेनमेंट पर्पज से या फिर बाकी चीज़ों के हिसाब से भी देखा जाए, स्टोरी की, स्क्रीन प्ले की, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और बाकी तो मैंने आपको काफ़ी सारी खासियतें तो ऑलरेडी बता ही दी हैं। तो देखा जाए तो ये फिल्म एक गजब की एंटरटेनिंग फिल्म है और अच्छी खासी कमाल की कॉमेडी फिल्म भी है, देखा जाए तो दोनों ही तरफ से आप जहाँ से भी देखना चाहो। पर हाँ, फिल्म में कुछ चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सको तो हाँ, फिल्म बढ़िया है, अच्छी है, कमाल की है। फिल्म में फन क्रिएट करके मूवी को हल्का रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है, पर मुझे लगता है कि एक हिसाब से वो सही भी है और उस वजह से आप फिल्म को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे। तो मुझे यहाँ पर कोई शिकायत वाली बात मुझे नज़र नहीं आई। बाकी मैं आपको ये फिल्म रिकमेंड करता हूँ, आप इस फिल्म को ज़रूर देखना, काफ़ी गजब और कमाल की फिल्म है, जो कि एक तरीके से फिलहाल जो हमारे यहाँ पर चल रहा है उसकी रियलिटी हमें स्क्रीन पर दिखाती है, पर हल्की तरीके से, यानी कि एक फनी फन वे में इस फिल्म में हमें दिखाती है। पर जो अभी मीडिया में या फिर जो इस पॉलिटिक्स में जो गंदा खेल चल रहा है वो तो आपको ऐसे ही देखने को पिछले कुछ सालों से तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पर आप आसानी से इस फिल्म से कनेक्ट कर जाओगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये फिल्म हमें क्या दिखाना चाहती है। और बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और मैंने इतनी सारी बातें बताई फिल्म को लेकर, तो जाओ जाकर मूवी को एंजॉय करो। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस यही थे जो बताना था, जोहार।